डीसी जम्मू हमारे साथ मौजूद है। डीसी जम्मू हमारे साथ मौजूद है। मैम, वाईफाई की सुविधा हो रही है और बड़ी जिम्मेदारी थी कि जम्मू को स्मार्टनेस की सौगात देनी, आज कैसे निभा रही और किस तरह से सौगात मिली? जैसे कि आप जानते हैं, ये वाईफाई जोन क्रिएट करने का प्रोजेक्ट जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत लिया गया है और शुरुआती तौर पर 8 जोन्स आइडेंटिफाई हुए हैं, उनमें से एक जोन ये रेजिडेंसी रोड भी है। और ऑनरेबल LG श्री मनोज सिन्हा जी ने कल इन 6 जोन्स का इनॉग्रेशन किया है, जहां पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा अब उपलब्ध है। तो पहले चरण में इन 8 जोन्स में वाईफाई सुविधा प्रोवाइड करनी है, जिसमें से 6 तैयार हो चुके हैं। बचे हुए 2 जोन्स भी अगले 2 दिन में तैयार हो जाएंगे और लोग जो नागरिक हैं वो इसकी सुविधा अब ले सकते हैं। मैम, बहुत बड़ा सवाल है कि ये टूरिज्म के लिहाज से इम्पोर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि जो डिवोटीज़ हैं बाहर से आते हैं, बाहरी राज्यों से, अमरनाथ यहाँ पर श्राइन की जो यात्रा होती है, वैष्णो देवी की होती है, तो मोबाइल की जो सिम्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो इस वाईफाई कनेक्टिविटी से कितनी सुविधा मिलेगी? बिल्कुल, ये वाईफाई सुविधा जो मिलेगी, इसमें सभी वर्ग के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। बाहर से आने वाले टूरिस्ट को, यहाँ रहने वाले लोगों को, स्टूडेंट्स को, बिजनेस कम्युनिटी को। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जो टेक्निकल टीम यहाँ पर काम कर रही थी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और बहुत ही कम समय के अंदर इन 6 प्रोमिनेंट लोकेशंस में, जहाँ पर वेरी हाई फुटफॉल हैज़ बिन नोटिस, वहाँ पर ये वाईफाई की सुविधा अब उपलब्ध है। कहाँ तक लेकर जाने वाले हैं आप सब लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपके पाले में और हर दिन हम आपको देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी है, LG के साथ आपकी मीटिंग्स हो रही, तो आगे किस तरह के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक थीम IT का भी है और IT थीम के अंडर ही ये वाईफाई जोन प्रोजेक्ट है। इसके आगे आने वाले समय में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट का नर्व सेंटर बनेगा फॉर ऑल IT इनिशिएटिव्स, उस पर भी काम चल रहा है। उसका DPR बहुत जल्द फ्लोट किया जाएगा। उसके अलावा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर भी काम चल रहा है। और IT के बाहर अगर हम निकले तो बाकी थीम्स जैसे कि सिटी ब्यूटिफिकेशन, जंक्शन इम्प्रूवमेंट, इल्यूमिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्रोमिनेंट लोकेशन, इन सब प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है और बहुत जल्द ही उसके रिजल्ट्स भी देखने के। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की राह पर अब जम्मू चल रहा है आपके नेतृत्व में? बिल्कुल, सभी जैसे कि डायरेक्शंस अभी आते हैं LG साहब की निर्देश के अनुसार काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स भी जैसे जैसे प्लानिंग हुई है उसके साथ सामने आने देखने को हमें मिल रहे हैं। चलिए, साफ तौर पर तमाम विकास कार्यों की जो गति है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ रही है और जब से यहाँ पर मनोज सिन्हा हैं, जब से नवनियुक्त उपराज्यपाल आए हैं, तब से जो स्पीड है तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स की वो आगे बढ़ रही है और समय जो है नज़दीक है, तमाम जो प्रोजेक्ट्स जम्मू के पाले में आए थे वो जम्मू वासियों को समर्पित किया जाएंगे। आज बातचीत करने की कोशिश की DC जम्मू से और आपको बताने की कोशिश की कि ग्राउंड लेवल पर तमाम अधिकारी मौजूद है, क्योंकि जम्मू को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी, आपसे अदालत नमस्कार।